सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पहला और प्रिंटर गोथेनबर्ग ने ईजाद किया, तो इसकी नाम के साथ ये सारी माइन सिटी है और ये यूनिवर्सिटी है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आजकल काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेजेस के कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज भी है और मास्टर भी है, पीएचडी के भी है, जिस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप बीएड कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स के भी होते हैं, लोग आप स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन लेना है तो हॉस्टल का क्या सिस्टम है, ये जो आप सामने घर देख रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस न्यू वीडियो के साथ, जिस तरह पीछे मेरे देख सकते हैं, मैं आया हूँ योहानस गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी माइंस में। आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किए हुए, काफ़ी नीचे कमेंट किए हुए कि यार हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सेमेस्टर फ़ी क्या है, सेमेस्टर कब से शुरू होता है। तो इस सारी वीडियो में आप इस डिटेल के बारे में जानोगे और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी से। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये यूनिवर्सिटी। तो जिस तरह गोथेनबर्ग जो आप लोग जानते हो, जो दुनिया में सबसे पहले जिस बंदे ने प्रिंटर ईजाद किया हुआ था, जो अभी यहाँ पे इधर के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पहला और प्रिंटर गोथेनबर्ग ने ईजाद किया, तो इसकी नाम के साथ ये सारी माइन सिटी है और ये यूनिवर्सिटी भी है। तो यूनिवर्सिटी जो अप्रूवल इसको मिला होता 1477 में, तो और फिर उसके बाद रिस्टेबल पोजिशन में 1784 में यहाँ पे ज्यूश रहे, कैथोलिक की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस टाइम थी और यहाँ पे कैथोलिक भी रहे। कैथोलिक कोर्सेज आज भी इस यूनिवर्सिटी में होते हैं। 1974 के बाद फिर और भी जो इसका स्टेज था वहाँ पे ज्यूश के बाद और एवंगेलिस्ट लोग यहाँ पे आए, उनके अपने कोर्सेज थे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आजकल काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं, आप लैंग्वेजेस में कैथोलिक हुए, इटालियन लैंग्वेज है, जिस तरह आजकल होते हैं इस यूनिवर्सिटी के में। और इसका ये स्ट्रक्चर देखो, काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है इसका। ये सामने से यूनिवर्सिटी का गेट है, यहाँ से आप इंटर हो सकते हो। ये सामने वो बैंक वाला टोमाट है, यहाँ लाइब्रेरीज है, यहाँ से आप बुक ले सकते हो अगर आपने बुक, क्योंकि आपके पास सेमेस्टर कार्ड होता है, सेमेस्टर कार्ड के बाद तो आपको फिर पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप यहाँ से बुक उठाओ, पढ़ लो और यहाँ पे वापस सबमिट करो। डिफरेंट गेट्स है क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट तरह के गेट हैं। तो वहाँ उस साइड पे जो गेट बना हुआ है वो मोस्टली बना हुआ है गाड़ियों के लिए, और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो ये नॉर्मली पेडेस्ट्रियन के लिए, जो लोग आते हैं साइकिलों पर। जो सर्वे 2018 के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 32,000 से 36,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो जस्ट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज भी है और मास्टर भी है, पीएचडी के भी है, जिस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप बीएड कर सकते हो, आप मास्टर कर सकते हो। कुछ ये प्रोवाइडेड करती है कोर्सेज जिसमें अगर आप सिंगल डिग्री मास्टर, सिंगल डिग्री में फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथमेटिक्स में मास्टर कर रहे हो, आप फिज़िक्स में मास्टर कर रहे हो, तो वो सोशियोलॉजी में मास्टर कर रहे हो तो वो सिंगल सब्जेक्ट मास्टर डिग्री है। आप डबल भी कर सकते हो, उसमें मुख्तलिफ फिर और सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप डबल, क्योंकि अगर आप बैचलर पढ़ लो उसके आप उसके बाद उसको चेंज कर सकते हो डिफरेंट डिग्री मास्टर में, तो वो डबल डिग्री मास्टर कहते हैं उसको। ये यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ डिफरेंट कोर्सेज करवाती है, जिस तरह म्यूज़िक वगैरह के, आर्ट म्यूज़िक वगैरह, उसके भी अपने कोर्स थे, उसमें भी आप बैचलर कर सकते हो। लोग डिफरेंट तरह के डिफरेंट कंट्री से आते हैं, जिसको शौकीन होता है, जिस तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स के भी होते हैं, लोग आप स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पोर्ट्स में बैचलर करना है पढ़ना, जिस तरह हमारे मुल्कों में लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो नहीं देते, यहाँ पर लोग उसमें बैचलर करते हैं, आर्ट में करते हैं। और भी मुख्तलिफ हज़ारों तरह के कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती, ओवर 40,000 कोर्सेज जो छोटे कोर्सेज हैं वो ये यूनिवर्सिटी करवाती। और बहुत से स्टूडेंट में मसला होता है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में कौन सी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो बैचलर के लिए, तो नॉर्मली 91st यूनिवर्सिटी में आप आपको लैंग्वेज लाजमी है, क्योंकि आप B2 लैंग्वेज, ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको करवाती है BSU एक जर्मन कोर्स है, B2 तो आपको लाजमी चाहिए। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ तो नॉर्मली खासकर JJU गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी, आपको इसको स्टूडियम कोलेग कहा जाता है। स्टूडियम कोलेग ये है कि आप एक साल कोर्स नहीं करोगे, कोर्स स्टार्ट नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी आपको C1 का लेवल देगी। C1 का मींस कि अगर आप जर्मन क्लासेस और लेक्चर भी लो ना, तो ताकि आपको बाद में टीचर की, प्रोफेसर की, लेक्चर की समझ आए, जिसको आप स्टूडियम कोलेग जर्मन में कहते हैं। बाकी अगर हम इस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की बात करें, तो सेमेस्टर स्टार्ट होता है समर सेमेस्टर, मार्च से स्टार्ट होकर सेप्टेम्बर पर एंड हो जाता है,
और उसका विंटर सेमेस्टर अक्टूबर में स्टार्ट होके फरवरी में इनका विंटर सेमेस्टर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने एडमिशन भी लेना हो तो इस राउंड अबाउट इसी टाइम में देख ले, यूनिवर्सिटी में सर्च कर रहे कि कौन से कोर्सेज में आपको दाखिला मिल सकता है, आप वहाँ से एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो। ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हो, ये म्यूजिकल का डिपार्टमेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। और हम इस म्यूजिकल डिपार्टमेंट से आगे की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी में यार काफ़ी काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पोर्ट्स के भी होते हैं। ज़्यादातर लोग अगर यूनिवर्सिटी में आना आते हो तो वो नॉर्मली बसेस पे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो फॉरेनर स्टूडेंट है जो बाहर से आते हैं तो लाजमी बात है गाड़ी तो उनके पास डायरेक्ट होती नहीं है, तो ज़्यादातर नॉर्मली साइकिल का यूज़ करते हैं, अगर साइकिल का नहीं तो बसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बस की सर्विस काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टूडेंट को डिफरेंट फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते ताकि यार सिर्फ स्टूडेंट स्टडी पे फोकस ना करें, उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ये खास कर नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी में सारे जर्मनी में सारे यूरोप में इसी तरह आफ्टर वर्क विद लाइव म्यूज़िक। अभी जो टाइम बता रहे कि 18 अगस्त में 17 से 22 तक कोई ये जो वेयर जो बंदा आ रहा है म्यूज़िक, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फिर टिकटें मिलती है, या अगर आपको टिकटें नहीं मिलती थोड़ा सा पीए वो दे के आप लाइव म्यूज़िक में ज्वाइन कर सकते हो। ये जब मैं पहले आया हुआ था ये डिपार्टमेंट बन रहा था, मेरे ख्याल में ये इटालियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, ये बन रहा था, अभी ये नया बन गया। लैंग्वेज में आप BEd भी कर सकते हो, इंग्लिश में, इटालियन में, फ्रेंच में और जर्मन में अगर आपने करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये डिफरेंट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर कोई नए स्टूडेंट्स वगैरह आ जाए फिर उनको पता नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, उधर गिब्योडे जो लिखा हुआ है बिल्डिंग का नंबर होता है 1226, इट्स मीन ये इस बिल्डिंग का नंबर है, और आपको अगर कहीं पर जाना हो तो फिर आपको बिल्डिंग्स के नंबर इस तरह लिखे होते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, तो ये आगे आपको मिलेगा वीरशप, मतलब ये बिज़नेस जो इसको हम BBA कहते हैं उसका डिपार्टमेंट आएगा। मैं हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ जो भी जर्मनी में स्टडी वीज़े पे है, सबसे पहले अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि यार स्टडी फ्री है, स्टडी पे फोकस करो, डिग्री लो और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे जॉब मिल जाती है, 3 ईयर के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी हमेशा कोशिश करो कि आप मास्टर के लिए आओ, क्योंकि मास्टर में आपको ज़्यादातर लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, आप इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे मुल्कों में ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ज़्यादातर इंग्लिश है, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर हम अप्लाई करें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो हमें इंग्लिश पे एडमिशन पे जल्दी एडमिशन मिल जाता है, बनिस्बत अगर हम बैचलर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर में हमें क्या मुश्किल होती है, क्योंकि मुश्किल ये होती है कि आप फिर लैंग्वेज सीखो, फिर यहाँ पे आओ, फिर एक साल को स्टूडियम को ले करो, स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स कहते हैं, आप एक साल वही करोगे उसके बाद आप अपना कोर्स स्टार्ट करोगे। ये जो डिपार्टमेंट हमें नज़र आ रहा है ये मोस्टली है पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस, और तो उसके बारे में ये वाला इसका जो बिल्डिंग है तो ये रिलेटेड से करता है। अगर कोई स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है इस वीडियो, अगर उनको पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस और इसमें बैचलर करना, मास्टर करना चाहते हो तो ये कोर्सेज ये भी प्रोवाइड करती है GGU। आप स्कूटी पे आ सकते हो, देखो स्कूटी के लोगों ने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी होती है, बिजली की जो चलती है, और ये साइकिलें देख लो यार, साइकिलों और सामने रोड है, साइकिलों के स्टॉप है, उधर से डिफरेंट स्टॉप से आप आ सकते हो, ये लोगों की साइकिलें खड़ी है, आप पढ़ने के लिए आ जाओ, वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी कर दो और अपने क्लासेस अटेंड कर लो, और यहाँ से साइकिल लिया वहाँ से बाहर में आपको बस मिल जाता है, बस में बैठ गए, साइकिल भी डाल दिया और घर चले गए, कोई टेंशन नहीं है। हमारे मुल्कों में यार वो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, कन्वेंस का, आपको कन्वेंस नहीं मिलती, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है यार कन्वेंस मिलना, क्योंकि यार स्टूडेंट के, अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हो आपके पास पैसे भी नहीं होते, जब पैसे नहीं होते लाजमी बात है आप कहाँ से कन्वेंस सपोर्ट करोगे। लोगों ने पूछा हुआ था कि यार अगर हमने इधर एडमिशन लेना है तो हॉस्टल का क्या सिस्टम है, ये जो आप सामने घर देख रहे हो, ये यूनिवर्सिटी के अपने घर है,
कुछ उन्होंने प्रोफेसर के लिए बनाए हुए जो दूर दूर से आते, जो नज़दीक आते वो तो खैर घर चले जाते वो गाड़ियों में, जो दूर से आते तो उनके लिए उन्होंने घर बनाए होते, वो स्टूडेंट के भी अपार्टमेंट है, आप उधर से भी बुक कर सकते हो अगर आपको खाली जगह मिली, वरना इधर हॉस्टल का ये सिस्टम है, आप इंटरनेट पर सर्च कर लो मोबिलियन माइंस वेबसाइट है, डिफरेंट कमरे होते हैं खास कर स्टूडेंट्स के लिए, जो जिसको स्टूडियो रूम कहा जाता है वो मिल जाते हैं स्टूडेंटों को इंटरनेट से, क्योंकि माइंस बेसिकली कहा जाता है स्टूडेंट सिटी, यहाँ स्टूडेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट हो, आप बाहर से आ रहे हो और आप बाहर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर आपको उधर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन को मिल जाए तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लो नियर द माइंस, अगर आपको स्टूडियो रूम मिल जाता है तो आपको आसानी से दे देते हैं। बाकी यार इन्होंने ये जगह बनाई हुई है जो राउंड अबाउट ये सारे घर हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह प्रोफेसर वगैरह रेंट पे लेते लोग स्टडी करने के लिए, और इसके सामने ये साइकिल वाला का स्टाफ भी बनाया है, छोटा सा गार्डन है, लोग टेबल टेनिस बनाया हुआ है लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए, बंदे बोर हो जाते तो उनके लिए टेबल टेनिस का घर, ये स्टूल बनाए हुए लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पार्क बनाया है बीच के अंदर, सामने भी घर है, सेट पर भी घर है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है तो आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, अगर आप बोर हो गए आप आगे यहाँ पे बैठ सकते हो। ये जो सारे आप बिल्डिंग देख रहे हो ये बेसिकली कोर्सेज करवाती है, जो मैं आपको अभी इस बिल्डिंग का ना 2413 है, 2413 बिल्डिंग्स में आप क्या पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स आपको करवाता है, उसके बाद आपको IT करवाता है, इन्फॉर्मेटिक्स मीन IT, फिजिक्स आपको करवाता है, आप ये प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, प्रैक्टिकम कहते हैं, फिजिक्स के जो थ्योरीज वगैरह जैसे वो भी ये यूनिवर्सिटी आपको करवाती है। ये वाला सारा जो आपको डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है केमिस्ट्री और फार्मेसी वाले, तो ये आपको ये करवाते हैं, ये एक दीवान के नाम से रेस्टोरेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट के पास आप जहाँ भी जाओ आपको इस तरह के रेस्टोरेंट्स वाले जगह मिलेगी ताकि लोगों को आसानी हो। और 1342 बिल्डिंग का नाम है, ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये देख लो ये वाली, ये डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट है, ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है लाइब्रेरी है। ये पीछे मैं अभी लाइब्रेरी से निकल गया हूँ, आपने फुटेज शायद इंजॉय कर ली गई, यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टिव रूल होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, आप बोल नहीं सकते, सबसे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको ईमेल लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको बोलने की इजाज़त है। सामने से आप ये जो मैंने बता दिया बस स्टॉप, यहाँ बस का सारा सिस्टम लगा हुआ है, आप कौन से बस कितने नंबर पर और कौन से एरिया पर, अगर आप दूर कहीं रह रहे हो हॉस्टल में यहाँ पर तो आप यहाँ से बस चेक कर सकते हो, वो सामने स्टॉप बना हुआ है बस वाला, तो आप यहाँ से इजीली बस पकड़ सकते हो, आप कहीं पे भी रह रहे हो शहर में माइंस में, इवन यहाँ पे विस्बादन में रह रहे हो तो आप वहाँ से आ सकते हो, बस पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पास सेमेस्टर टिकट होता है, सेमेस्टर टिकट 350 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा है यार, 350 किलोमीटर तक वैलिड होता है, आप जा सकते हो। बस यार आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे, अगर क्लियर नहीं भी होंगे कोई मसला नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं और जगह पे भी जाऊंगा और यूनिवर्सिटियों में, मैं इंशाल्लाह वहां पे भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा वहां से, ठीक। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, तो अगर इन्जॉय किया एक लाइक तो बनता है ना यार, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।